हम लोग क्लास 9th से 7th तक पढ़े। उसका सर्कल का डेफिनेशन क्या है, कौन बोल सकते हैं सर्कल का डेफिनेशन? ओके, सर्कल का डेफिनेशन है इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट और मूविंग पॉइंट। ओके, सर्कल का डेफिनेशन ये है। इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस मीन्स मूविंग पॉइंट होता है। इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट और इट इज ए मूविंग पॉइंट। ओके, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। ओके, ये लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग पॉइंट है। ओके, विच मूव्स इन ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ओके, तो ये एक तो सर्कल, हाँ ये इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। ओके, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। ओके, विच मूव्स इन ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ओके, तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, द फिक्स डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा सर्कल जो है इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एट ए, हाँ विच मूव्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए फिक्स डिस्टेंस। ओके, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, आज हम लोग क्लास 9 में सब पढ़ चुके हैं सभी। ओके, तो तुम लोग ये कॉर्ड बोलते हैं, इस सर्कल का ये कॉर्ड बोलते हैं। ओके, इसको कॉर्ड बोला जाता है। ओके, देन द लाइन विच पासिंग थ्रू द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टैंजेंट टू द सर्कल। ओके, द लाइन विच पासिंग थ्रू द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टैंजेंट टू द सर्कल। एक ही पॉइंट में जो पास करता है, the line which passes through the one point of the circle is called the tangent of the circle. Okay, ek hi point mein pass karta, the line which passing through the one point of the circle is called tangent to the circle. Tangent to the circle, okay, jo ek point of the circle mein pass karta hai usko tangent to the circle kehte hain. Theek hai, again the line with passing through the two point of the circle is called the second of the circle. Two point mein jo pass karta hai, okay, is called the second of the circle. Isko hum second of the circle bolenge. The line with passing through the two point of the circle is called what, second of the circle. Already tum iske bare mein jante ho, main usko aur kuch zyada nahi bolunga. The second of the circle, okay. Again the common point, the common point of the tangent, okay, the common point of the tangent and what the circle is called point of contact. The common point, okay, the common point of the circle and tangent is called point of contact. Say point of contact, okay, the common point of the circle and tangent is called point of contact. Okay, अच्छा पहला थियोरम है तुम्हारा, जो कि प्रूफ के दो थियोरम है जो कि एग्जाम में आता है। ओके, नाइन्थ क्लास में बहुत सारा थियोरम था लेकिन टेंथ में एक दो थियोरम है। पहला थियोरम है द रेडियस एंड टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फर्स्ट थियोरम इज दैट
the radius and tangent are perpendicular each other. Okay. The radius and tangent are perpendicular each other at point of contact. Okay. The radius and tangent are perpendicular each other. Pehla theorem hai. Okay. Second theorem ye hai. The first theorem is what? The radius जो है परपेंडिकुलर टू क्या टैंजेंट, ये पहला थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है द टैंजेंट ड्रम फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ओके, तो बहुत द्वारा ये सर्कल है। ओके, द्वारा ये द टैंजेंट, हाँ पहला है रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट, सेकंड थ्योरम है ये सेकंड थ्योरम ये बच्चों। ओके, कि द्वारा जो ओके कि द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ओके, समझ, यहाँ पर एक टैंजेंट ड्रॉन है और ये एक टैंजेंट है और ये एक टैंजेंट है। ओके, द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल होता है। ओके, ये दोनों बच्चे इक्वल होता है। तो ये PA इक्वल टू PB होता है। ये PA इक्वल टू PB होगी। अगर ये आपका 5 cm है, ये भी 5 cm इसका रीजन है, तो टैंजेंट ड्रॉन कर दो एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ओके, पहला थ्योरम है रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट। रेडियस जो है, रेडियस और टैंजेंट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। सेकंड थ्योरम है the tangent drawn from the external point to the circle, tangent drawn from external point, tangent drawn from external point, tangent drawn from the external point to the circle are equal. चलिए दोनों थ्योरम प्रूफ पहले करते हैं, जो एग्जाम आता है उसका भी ब्लैक डॉट है। ओके, चलिए बच्चे, ये सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, बहुत हमेशा आता है एग्जाम में। ओके, देखिए बनाते हैं। ओके, इतना तो टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल और द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ओके, ये है तुम्हारा। ओके, तो ये गिवन है, ये दो टैंजेंट गिवन है, ये एक ही पॉइंट में कॉन्टैक्ट होगा। तो ये तुम्हारा गिवन टू टैंजेंट और ये ए बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें टू प्रूव करना है द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा एग्जाम आते हैं। ओके, सो लिखिए, गिवन क्या लिखिए, गिवन पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट टू द सर्कल। ओके, इवन पी एंड पी बी आर, तो पी एंड पी बी आर टैंजेंट टू सर्कल। टू प्रूफ क्या करना है, वो दोनों इक्वल है। अगर ये 6 cm तो ये भी 6 cm है, दैट इज योर पी ए इक्वल टू क्या पी बी। यहाँ में टू प्रूफ करना है। ओके, अच्छा देखिए, देर द्वारा ये कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें पी ए इक्वल टू पी बी बोल के प्रूफ करना है। लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करने है, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखिए, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जॉइन ओके ओ ए एंड ओ बी एंड ओ पी, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ओके, इसको डॉटेड लाइन देंगे। ओके, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन लेता है। ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये है,
कितना कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन ये जॉइन ओबी ओए ओपी। देखिए प्रूफ देखिए बहुत इजी है बच्चों, अब करना क्या है, यहाँ पर ये दो ट्रायंगल कॉम्बिनेंस होगा आरएचएस मेथड में। ओके पहला बात है तुम्हारा ये 90 डिग्री होगा, इसका रीजन ये है तो रेडियस परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल आर राइट एंगल, और तुम्हारा ओपी इक्वल ओपी कॉमन और ओ इक्वल टू ओपी ओपी रेडियस, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड में आरएचएस में ये दो ट्रायंगल कांग्रेस होगा बच्चों। ये कांग्रेस होने के बाद ओके तुम्हारा पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी बाय सी पी सी टी। ओके तो फिर से बोल रहा हूँ इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट थ्योरम वन। ओके तो तुम्हारा रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ओके तो थ्योरम वन है, इसके बाद हम प्रूफ करेंगे। ओके नेक्स्ट बात है योर ओ ए पी इक्वल ओ पी कॉमन हाइपोटेन्यूस देन ओ ए इक्वल ओ बी रेडियस, तो ये है ट्रायंगल पी ए ओ कांग्रेस टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस। ओके जब राइट एंगल आर एच एस से कांग्रेस हो गया देन पी ए इक्वल टू पी बी बाई सी पी सी टी। ओके तो चलिए हम करते हैं, लिखिए इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ प्रूफ। ओके इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ क्या होगा, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ एंगल ए इक्वल एंगल बी 90 डिग्री। ओके एंगल ए इक्वल एंगल बी कितना 90 डिग्री, इसका क्या रीजन है ए इक्वल बी बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल, रेडियस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल, और यू कैन से यू कैन राइट रेडियस एट टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू दी इच अदर। ओके रेडियस परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ओके सेकंड बात है तुम्हारा ये ओपी इक्वल ओपी कॉमन। ओके ओपी इक्वल ओपी कॉमन। ओके थर्ड बात है तुम्हारा तीन तो चाहिए। ओके नेक्स्ट तुम्हारा ओए इक्वल टू ओपी रेडियस। ओके ओए इक्वल ओपी क्या रीजन है, इक्वल क्यों है रेडियस। कौन सा मेथड बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ओके तो ये ट्रायंगल पी ए ओ कांग्रेस टू पी बी ओ बाई आर एच एस में कांग्रेस हो गया, होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, हमें प्रूफ करना था पी ए इक्वल पी बी बाई सी पी सी टी। ओके तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया पी बी बाई सी पी सी टी। ठीक है हो गया बच्चों, तो आर एच एस में कांग्रेस कर दीजिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, उसके बाद पी ए इक्वल पी बी बाई सी पी सी टी। नेक्स्ट बच्चे थ्योरम 10.1। ओके चलिए थ्योरम 10.1 पढ़ा करते सर, हमारा जो मैथ का एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो हम लिखे हैं कैसे सब्जेक्टिव तुम्हारा, जैसे तो लेंथ द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके देखिए तो बच्चे यहाँ पर है कि द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ओके ये टैंजेंट आपका ये
टैंजेंट है अगे, एंड ये तुम्हारा रेडियस है अगे, और ये आपका पी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है अगे, ये ओ है और ये है। यहाँ पर लिखिए थोड़ा गिवेन अगे, गिवेन क्या लिखिए कि OP द रेडियस टू द सर्कल और AB इज द टैंजेंट और P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।